रह गई तो सारी फिर वहाँ पे रह जाएगी। तो मैं यहाँ पे पापा के पास रुकूँ, मम्मी के पास रुकूँ कि मैं घर जाके पार्सल भेज के फिर वापस आऊँ, ठीक है, आसपास होना चाहिए। तो पापा का वो 60 हो चुका है जिस कारण से पापा के किडनी में प्रॉब्लम आ गई है, जिस चीज़ का टेंशन हो रहा था ब्लड वो मिल चुका है। अब कल होगा मेन फाइनल टेस्ट, पापा थोड़ा घबरा रहे हैं। किडनी कम है तो घबराने की बात नहीं है, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखिए यूरिन से अगर प्रोटीन भी ज़्यादा मात्रा में निकलता तो भी जो पेशेंट होता है ना उसके लिए सही नहीं होता है। समझ में नहीं आ, प्लीज़ अगर आप लोग थोड़ा सा मुझे दिमाग दे दे मैं क्या करूँ किस तरीके से करूँ तो शायद मुझे थोड़ा सा सहूलियत हो जाए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हम लोग भी ठीक ही हैं। मतलब मैं ये वीडियो एक्चुअली नहीं बनाने वाली थी, लेकिन इतने सारे कॉल्स मेरे पास आ रहे हैं अभी ब्लड के लिए तो मुझे बनाना पड़ा। ब्लड मिल चुका है पापा को, बी पॉजिटिव ब्लड की ज़रूरत थी तो आंटी जी हैं जो आई हुई थी उन्होंने, उनके थ्रू ही मुझे मिल चुका। उन्होंने फेसबुक में आई थिंक पोस्ट डाला था मेरे नंबर के साथ, तो सुबह से अब तक मैं कम से कम 100 से ज़्यादा लोगों का कॉल अटेंड कर चुकी हूँ, सब ब्लड देना चाहते हैं। तो ब्लड मिल चुका, ब्लड का दिक्कत अभी नहीं है। कल मंगलवार है, कल पापा का अपॉइंटमेंट है, कल हम 10 बजे पहुँचेंगे हॉस्पिटल, याजी हॉस्पिटल, उसके बाद हम सीधा मिलेंगे किडनी के डॉक्टर से। यहाँ का सबसे फेमस अच्छे डॉक्टर है साईराम रेड्डी करके, मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था, उन्होंने उनका किडनी ट्रांसप्लांट किया था तो वो बोली थी आप जाके मेरे बारे में बात कर सकते हो, उन्होंने मेरा किडनी ट्रांसप्लांट किया था और मतलब वो बहुत अच्छे डॉक्टर है, तो उनसे थोड़ा बात की तो मुझे अच्छा लगा ना। मतलब लीवर के तरफ से उतना प्रॉब्लम नहीं है जितना प्रॉब्लम किडनी की तरफ से है, और पापा का क्रिटिनिन उतना बड़ा नहीं है। काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे क्रिटिनिन ज़्यादा बड़ा है क्या, तो पापा का क्रिटिनिन ज़्यादा नहीं बड़ा है, पापा का ना मतलब प्रोटीन डिस्चार्ज हो जा रहा है यूरिन से, जो कि नहीं होना चाहिए। मतलब डॉक्टर जब रिपोर्ट दिखा वो मतलब शॉक्ड भी थे और थोड़ा सा मतलब बोलते ना डांटते उस टाइप में भी थे कि इतना लेट कैसे आए करके आप लोग, इतना मतलब इतना वक्त कैसे लगा, क्योंकि पेशेंट के यूरिन से प्रोटीन जहाँ पे 0.2 डिस्चार्ज होना चाहिए अगर होता है तो 0.2 मतलब 0.2 वहाँ पे पापा का 80 डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब कितना गुना ज़्यादा आप सोच सकते हैं। तो जिस कारण से उन्होंने बोला कि इमिडिएटली बायोस पे ऐसा कुछ है वो चेकअप करेंगे, अगर उसके थ्रू कुछ निकलता है देन आगे का प्रोसीजर और निकलेगा। तो वो सारा चेकअप करने के लिए बॉडी में ब्लड होना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोग मेरे को वही मैसेज किए थे आज व्हाट्सअप में, वही सारा चीज़ मेरे को पूछ रहे थे कि मतलब क्रिएटिनिन लेवल कैसा है, अगर क्रिएटिनिन कम है तो घबराने की बात नहीं है, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखिए यूरिन से अगर प्रोटीन भी ज़्यादा मात्रा में निकलता है तो भी जो पेशेंट होता है ना उसके लिए सही नहीं होता है ना। मतलब यूरिन से प्रोटीन ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए, हम अगर कोई चीज़ खा रहे हैं हमारे बॉडी में कोई चीज़ जा रहा है वो अगर हमारे यूरिन के थ्रू निकल जा रहा है पास हो जा रहा है तो तभी पापा सूख गए एकदम, मतलब पापा सूख गए हैं। प्रोटीन अगर लग ही नहीं रहा है मतलब अगर 0.10 या फिर अगर 0.20 भी निकलता समझ में आता, 0.0 में नहीं है सीधा डायरेक्ट 80 में। इस कारण से पापा का टेस्ट करेंगे, किडनी का टेस्ट सारा होने वाला है और थैंक गॉड, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू आप सभी को, आप सबके प्रेयर से दुआ से आज मुझे डोनर मिल चुका है। एक नहीं 100 से ज़्यादा डोनर है जो मुझे कॉल किए थे, मगर फाइनली डोनर मिल चुका है तो उनसे मैं बात कर चुकी हूँ। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, पता है जो सबसे पहला कॉल जो मुझे आया था उनका नाम रफ़ी जावेद था, रफ़ी जावेद। तो इंसानियत मेरे दिल के अंदर सबसे पहले आ गई थी, इंसानियत करके इस दुनिया में इंसानियत है। उसके बाद काफ़ी सारा कॉल आया तो उन्होंने मुझे बोला था कि मैम वो मतलब आज आने वाले थे, मैं बोली नहीं भैया आज तो नहीं चाहिए हमें खून कल चाहिए, कल डॉक्टर बोलेंगे फिर स्लॉट खाली होगा उसके बाद। हो सकता है कि अगर मंगलवार को स्लॉट खाली नहीं रहा खून चलाने वाला तो हो सकता है कि वो हमें बुधवार को भी मिल सकता है। तो उन्होंने बोला नहीं अभी मैं इमीडिएटली दे सकता हूँ, कल नहीं दे पाऊँगा। मैं बोली कोई बात नहीं, हम देखते हैं, अगर आपकी जानकारी में भी कोई हो तो भी आप हमें बता देना। उसके बाद थोड़ी देर में कॉल आना स्टार्ट हुआ, फिर कंटिन्यू कॉल आता गया, आ ही रहा था, मैसेज भी बहुत सारे आए। उसके बाद मैंने फाइनल किया और उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे बोला आप जब पहुँचो हॉस्पिटल, जब डॉक्टर से स्लॉट बुक हो जाए और जब डॉक्टर बोले
लेके आना है, तो आप मेरे को बस उसके एक घंटे पहले आप मुझे बता देना ताकि मैं प्रिपेयर होके आ सकूँ। एक घंटे पहले मुझे बताना ताकि मुझे आने में भी समय लगेगा। मैंने कहा ठीक है भैया, मैं आपको एक घंटे पहले बता दूँगी। तो फाइनली ये सारी चीज़ें हो चुका है और हमको अभी जाने में यहाँ से मान के चलिए और एक हफ्ता है, आराम से एक हफ्ता है। थोड़ा सा मन अभी अच्छा लग रहा है, मतलब जिस चीज़ का टेंशन हो रहा था ब्लड वो मिल चुका है। अब कल होगा मेन फाइनल टेस्ट। पापा थोड़ा घबरा रहे हैं क्यों टेस्ट करेंगे, क्योंकि हमने उनको बताया नहीं है क्यों टेस्ट करेंगे, किस लिए टेस्ट करेंगे, ऐसा वैसा करके पापा बोल रहे हैं। अभी तो मैं घर पे हूँ, कल टेस्ट वेस्ट करके हम लोग उस दिन में चले जाएंगे ना वापस। तो मैं बोली अरे नहीं अभी थोड़ा टाइम लगेगा, रुको ना करके। पापा को टेंशन हो रहा है कि नहीं मेरा घर वहाँ पे खाली पड़ा हुआ है। अरे क्या बोलूँ पापा। मैं बोली पापा सब ठीक है, आसपास वाले हैं सब घर वगैरह देख रहे हैं, आप टेंशन मत लो, सब सही हो जाएगा। तो होप सो कल, जैसे अभी मेरी मम्मी और बहन निकलेंगे मिलने के लिए किडनी डॉक्टर से, क्योंकि कल 10 बजे पापा को एडमिट करेंगे। एडमिट करके जो चेकअप का प्रोसीजर है वो सारा करेंगे, उसके बाद बी पॉजिटिव जो डोनर है उनको बुलाया जाएगा, पापा के बॉडी में ब्लड इन। अच्छा, और भी काफ़ी लोग बोल रहे थे कि ब्लड की ज़रूरत नहीं पड़ती है ऐसा करके, लेकिन नहीं, पापा के बॉडी में ब्लड कम है, हीमोग्लोबिन पापा के बॉडी में बहुत कम है, बहुत। आप लोग अगर आप लोग मेरे पुराने व्यूअर्स, आपको पता होगा मेरे पापा को पिछला एक महीना में पापा को हर हफ्ते हफ्ते खून बढ़ने का इंजेक्शन लगा था। एक एक इंजेक्शन 5,000 का था, तो पापा को टोटल 4 या 5 इंजेक्शन चढ़ाए हर हफ्ते, हफ्ते में एक बार। वो चढ़ाने के बाद पापा का 6.8 था, तो वो चढ़ाने के बाद पापा का 7.2 या 7.3 पापा का ब्लड बढ़ा। तो अभी भी पापा का उतना ही ब्लड है। और यहाँ के डॉक्टर जो टेस्ट करने वाले, जो उनका प्रोसीजर है, उसके लिए बॉडी में कम से कम 10 से 12, मैंने 12 से ऊपर ब्लड होना चाहिए। ब्लड होगा, हीमोग्लोबिन होगा, उसके बाद ही डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर पाएंगे। हो सकता है कि ब्लड, शायद ब्लड की मात्रा ज़्यादा लेंगे उन लोग को टेस्ट करने के लिए, या फिर जो टेस्ट करने वाले हैं उसमें बॉडी में ब्लड ज़्यादा होना ज़रूरी, क्योंकि देखिए हम तो डॉक्टर हैं नहीं, हमको तो कुछ पता नहीं है। जो डॉक्टर है उनका अपना अलग ही ट्रीटमेंट होता है, उस अपने लेवल पे वो ट्रीटमेंट हर चीज़ कर रहे हैं। तो बस यही है कि होप तो सब चीज़ें ठीक हो जाएँ, क्योंकि मम्मी और बहन थे, मम्मी बोल रही थी डॉक्टर ने जब देखा पापा का, मतलब जो क्रिएटिनिन प्रोटीन है, सिर्फ क्रिएटिनिन नहीं, पापा का जो क्रिएटिनिन प्रोटीन है उसकी लेवल बढ़ चुकी है। जैसे मैं आप लोगों को बोली थी ना कि पापा का जो क्रिएटिनिन है वो मतलब वो उतना नहीं बढ़ा है, कम बढ़ा है, लेकिन जो क्रिएटिनिन प्रोटीन है वो बहुत बढ़ चुका है, वो 60 हो चुका है। तो इतना नहीं होना चाहिए, प्रोटीन की मात्रा 80 हो गई है और जो क्रिएटिनिन प्रोटीन है उसकी मात्रा 60 हो चुका है। आई थिंक वो 20 के आसपास होना चाहिए, तो पापा का वो 60 हो चुका है, जिस कारण से पापा के किडनी में प्रॉब्लम आ गई है। अब मुझे एग्जैक्टली याद आया अभी बात करते करते, क्या ना कितनी सारी चीज़ें याद भी नहीं रहती। हाँ, पापा का जो नॉर्मल क्रिएटिनिन है उसका लेवल तो हल्का सा बड़ा है, लेकिन जो प्रोटीन क्रिएटिनिन है वो बहुत हाई चला गया है, इस कारण से इमिडिएटली पापा का ये सारा चेकअप होने वाला है। हम लोग यहाँ पे हैं, हमारा पता नहीं दुर्गा पूजा वगैरह सब यहीं पे, हम लोग यहीं पे रहेंगे। बस माँ से प्रार्थना कर रही हूँ कि पापा को सही सलामत अच्छे से यहाँ पे, यहाँ से लेके जाऊँ, और कुछ पाठ वगैरह करवाने के बारे में सोच रही हूँ, क्योंकि हम लोग सब लोग यहाँ पे हैं, यहाँ पे कहाँ से पंडित ढूँढूँ, ब्राह्मण ढूँढूँ। तो हमारे वहीं पे एक पंडित जी हैं, उनसे बात वगैरह की हूँ कि पापा के लिए आप कुछ पाठ वगैरह करवा दीजिए। और मेरा कुछ पार्सल है जो पितृपक्ष के कारण मेरे पास रुका हुआ था, उन्होंने मुझे बोला था कि शताब्दी 3 तारीख को भेज देना। उसमें मिताली दी का बहुत सारा साड़ी है, बहुत सारा कुर्ता है, और मैम है उनका भी बहुत सारा पार्सल है, साड़ी है। कम से कम पितृपक्ष का 7 या 8 पार्सल है जो मेरे पास अभी भी ठहरा हुआ है। और जब मैं यहाँ आ रही थी तो काफ़ी सारे लोग मुझे बोले थे कि जब आप जा रहे हो तो पितृपक्ष के कारण जो पार्सल हमारा आपके पास ठहरा हुआ है आप हमें भेज दो। लेकिन हम लोग इतना हड़बड़ी में आए, कुछ कुछ का भेज पाए, कुछ कुछ का नहीं भेज पाए। अब 3 तारीख को बहुत से लोग बोले थे भेज देना करके, मैं यहाँ पे हूँ, आज 30 तारीख है, कल 1, 2, 3, कल 1 तारीख है, कल पापा का
सब ट्रीटमेंट होगा। हो सकता है रिपोर्ट कल शाम को आए, भी हो सकता है कि कल रिपोर्ट परसों आए। 3 तारीख को कैसे क्या करूँगी कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। मैं कहा वापस चले जाऊँ, वापस जाके पार्सल वगैरह सब भेज के फिर वापस आऊँ कि क्या करूँ, मुझे कुछ दिमाग में काम नहीं कर रहा है। क्योंकि ये जितनी भी साड़ियाँ हैं ना, ये सारा अब दुर्गा पूजा आ रहा, दीपावली आ रहा, उसके लिए सब लोगों ने बाय किया हुआ था, रह गई वो साड़ी फिर वहाँ पे रह जाएगी। तो मैं यहाँ पे पापा के पास रुकूँ, मम्मी के पास रुकूँ कि मैं घर जाके पार्सल भेज के फिर वापस आऊँ, क्या करूँ कुछ समझ भी नहीं आ रहा है मुझे। बस पापा का कल वो हो जाए, क्या बोलते हैं, मतलब मैंने सोचा है कि पापा का कल टेस्ट वगैरह होगा। पापा का टेस्ट अगर कल डन होता है, पापा के रिपोर्ट में ऐसा कुछ मेजर कुछ ऐसा निकलता है एकदम कि नहीं मेजर है, आपको यहाँ पे 15 से 20 दिन आपका फिर रुकना पड़ेगा, तो पापा का ट्रीटमेंट यहाँ से स्टार्ट करवा के फिर मैं निकल जाऊँगी, फिर मैं वापस आ जाऊँगी। और अगर ऐसा होता है कि नहीं ऐसा मेजर कुछ नहीं है, माइनर है, दवाई खा के 6 महीना 1 साल दवाई खा के वो रिकवर हो जाएगा, फिर तो हम लोग सब साथ में ही निकलेंगे यहाँ से। क्या करूँ समझ भी नहीं आ रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा है। कल बहन मेरे को ही बोल रही थी पितृपक्ष के कारण जो पार्सल रुका हुआ था, जिन्होंने बोला था 3 तारीख को भेजना है, कैसे करेगी क्या करेगी बता, क्योंकि वो तो भेजना ही पड़ेगा ना, क्योंकि उसमें से कुछ का पेमेंट पे है और कुछ का पेमेंट 100, 200, 50, 300 ऐसा पे है। उन्होंने पूरा पे नहीं किया था क्योंकि पितृपक्ष में नए कपड़े नहीं लेते तो पेमेंट भी नहीं करते, तो वो मेरे पास है, समझ भी नहीं। प्लीज़ अगर आप लोग थोड़ा सा मुझे दिमाग दे दे, मैं क्या करूँ किस तरीके से करूँ, तो शायद मुझे थोड़ा सा सहूलियत हो जाए। मैं बाहर आके अभी मैं यहाँ पे बाहर आके आप लोग से बात कर रही हूँ। पापा सो रहे हैं क्योंकि पापा बहुत वीक हो चुके हैं, और जिस दिन पापा के पेट से पानी निकाले ना उस दिन थोड़ा पापा का पेट दबा हुआ दिख रहा था, लेकिन अभी फिर से पापा का पेट हल्का सा फूला दिख रहा है। तो मम्मी ने नोटिस किया कि पेट फिर से फूल रहा है, तो मैं बोली नहीं नहीं वो पापा खाना खाए ना इस कारण से, ऐसा करके थोड़ा सा मैं वो कर दी हूँ। कल डॉक्टर से मिल के हम लोग को बात करना पड़ेगा कि फिर से पेट फूला फूला दिख रहा है, थोड़ा सा फाइबर टेस्ट फिर से कर लीजिए कि फिर से पानी तो नहीं जम रहा है, क्योंकि लीवर का डॉक्टर ने बोल दिया लीवर के थ्रू तो पानी नहीं जम रहा है, लीवर के कारण नहीं पानी जम रहा है। चलिए मैं अपने ब्लॉग का नहीं पर ही करती हूँ, अभी मम्मी बहन जाएंगे हॉस्पिटल, और कल जो भी चीज़ें होगी, जो भी चीज़ें होगा, डॉक्टर ने क्या बोला और जिन्होंने ब्लड दिया आएंगे उनको बहुत थैंक यू, बहुत ज़्यादा थैंक यू जो ब्लड देना मतलब ब्लड देने के लिए आ रहे हैं। देखते हैं मैं आप लोग को सब चीज़ें शेयर करूँगी, होप सो सब चीज़ें अच्छा, और प्लीज़ आप लोग मेरी हेल्प कीजिए, मेरे वीडियो को जितना हो सके उतना आप लोग शेयर करिए, इस तरह से मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा आप सभी से।